ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक खींचतान के बीच उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। पायलट खेमे के विधायक माने जाने वाले मीणा से जब पूछा गया कि आप सीएम गहलोत के साथ है या फिर सचिन पायलट के साथ है, इस पर हरीश मीणा ने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं मेरी जनता के साथ हूं। मीणा के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अधिकांश लोग उनके इस बयान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोनों ही नेताओं से संतुष्ट नहीं होने के रूप में देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी पर उनकी नाराजगी साफ देखी गई है। सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली आलाकमान के पास जाने के मामले में विधायक हरीश मीणा ने कहा कि मुझे इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो मेरी जनता ने बुलाया है, इसलिए मैं गुरुवार से ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में हूँ। दिल्ली में राजस्थान को लेकर क्या चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार में किसको मंत्री बनाया जा रहा है या नहीं, इन सब के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिस बात का पता नहीं हो उस पर बात करने का मतलब नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार से ही उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा दो दिवसीय दौरे पर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। देवली में एक कार्यक्रम में शुक्रवार को मीणा ने शिरकत की। हरीश मीणा ने सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे राजनीतिक द्वंद को लेकर अपने मन की बात कही है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो मीणा को भी मंत्री बनने की रेस में मानते हैं, लेकिन पहली बार के विधायक होने के चलते ऐसी संभावनाएं कम हैं। आपको बता दें, पायलट खेमे के खास सिपे सलाहकार माने जाने वाले हरीश मीणा सियासी कलह के दौरान मानेसर बाड़ेबंदी में भी रहे थे। हरीश मीणा प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामले में हरीश मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ एक थाने के बाहर धरना दिया था। इस दौरान इस धरने की देश भर में चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि कभी पुलिस का कप्तान रहा व्यक्ति आज थाने के बाहर धरना दे रहा है। मीणा ने हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा था, जिसमें किसानों को डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।